आज हम जिस स्वरूप का प्रागट्य दिवस मना रहे हैं, शायद के बारे में हम गंभीर चिंता नहीं करते हैं। वाणी में एक चौपाई आती है, प्रेम नाम दुनिया मिने ब्रह्म सृष्टि लायित, ये प्रेम इनो जाहिर किया न तो प्रेम दुनिया में कित। ब्रह्म सृष्टियां प्रेम लेकर आई और वो प्रेम ब्रज में फला फूला, क्योंकि उस प्रेम की लीला को देखने की इच्छा अक्षर ब्रह्म की थी। प्रेम की सुगंध अक्षर ब्रह्म को मालूम नहीं थी अभी कि परम धाम का प्रेम क्या होता है। जिस परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई हम प्रेम के संबंध में देते हैं, पूरा प्रकरण ही प्रेम का है। परिक्रमा ग्रंथ की पहली चौपाई है इश्क से, अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द तो चौदह तबक को करे रत। और इस परिक्रमा ग्रंथ को इलाही किताब कहते हैं, अखंड की संपदा देने वाली ये परिक्रमा ग्रंथ। अब आप सोचिए कि अक्षरातीत ने प्रेम प्रेम की लीला दिखाई ब्रज में, प्रेम का विलास दिखाया रास में, और प्रेम की मारिफत समझाया इस जागनी ब्रह्मांड में वाणी के द्वारा। इसके पहले संसार को कुछ भी मालूम नहीं था कि प्रेम होता क्या है। आकर्षण को प्रेम मानते थे, लेकिन आज सबसे बड़ी हंसी की बात जानते हैं क्या हो रही है, कि जो प्रेम के स्वरूप कहलाते हैं वो घृणा के ज्वालामुखी बने बैठे हैं। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। कोई किसी की शक्ल देखने को राजी नहीं है। एक गुरु जी थे, उनके दो शिष्य थे, दोनों उनके हाथ दबा रहे थे। अचानक एक का हाथ जो है दूसरे हाथ पर लग गया, उसने गुस्सा होकर डंडा उठाया और उस हाथ पर दे मारा कि जिस हाथ को मैं दबा रहा था उसको तुमने क्यों दबाया। वो शिष्य भी उठा और उसने पहले वाले हाथ को डंडा मार दिया। पीड़ा किसको हो रही है, हाथ तो एक के ही है। सबको मालूम होता है, अच्छी तरह से मालूम है कि लैलतुल कद्र के तीन तकरार हैं। इस माया में आने पर तीन खेल के भाग हैं, ब्रज का, रास का और जागने का। ब्रज में जो स्वरूप आता है उसको हम कृष्ण कहते हैं। एक मान्यता चल गई है कि ब्रज में रास में हम राज्य के साथ नहीं खेले थे, अक्षर ब्रह्म के साथ खेले थे, ये भ्रम है। वाणी में लिखा है खेले जोश धनी संग भेले, राज्य के जोश और आवेश के साथ हमने लीला की। अक्षर ब्रह्म की आत्मा तो दृष्टा होकर के देख रही है। हम कह सकते हैं कि फेल मूर स्वप्या देख्यादित, ये दो मगन हुए खेलत, जब जोश ले खेच कर तब चित चौक भई अक्षर, कौन बन कौन सखियाँ चौंक के फिरी आता। इस चौपाई से हम कह सकते हैं कि देखिए राज्य अक्षर ब्रह्म, राज्य अलग हैं अक्षर ब्रह्म अलग हैं। जब अपना आवेश खींचा तो अक्षर की आत्मा को लगा कि मैं कौन हूँ और ये सखियाँ कौन हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो आवेश खींचा वो आवेश राज्य है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वह आवेश अक्षर की आत्मा पर बैठा है। अक्षर की आत्मा लीला को देख रही है। आनंद दो तरह से होता है। आप देखिए, आप मिठाई खाएंगे तो आपको भी मिठाई खाने वाले को आनंद आएगा, और यदि आपका, आप और आपका भाई दोनों साथ हैं, दोनों कई दिन से भूखे हैं, तो आप मिठाई खा रहे हो तो आपके भाई को भी खुशी हो जाएगी कि ये मिठाई खा रहा है तो मुझे भी अवश्य देगा। अक्षर की आत्मा जिस ब्रज लीला में प्रेम की लीला को देख करके आनंदित है, जब वो प्रेम का विलास देख रही है तो उसको आनंद हो रहा है। लेकिन लीला कौन कर रहा है, आत्माएं और राज्य का आवेश।
आवेश हटते ही ब्रह्म सृष्टियों को अक्षर ब्रह्म का स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरा वृंदावन खोज डालती है, कहती है कि प्रीतम आप कहाँ चले गए थे, कहती है कि मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं पर था। सखियां कहती है कि आप बिल्कुल झूठे हो, हमने वृंदावन का कोना कोना खोज डाला, आप दिखे नहीं, आप झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि तुम मेरे जीवन के आधार हो, मैं सौगंध खाता हूँ, भला मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ, मैं तो यहीं पर था। सच सभी बोल रहे हैं, ये सच है कि वृंदावन का एक एक कोना खोज डाला है और उनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना आवेश श्यामा जी के हृदय में दे रखा है। अक्षर की आत्मा पर जब तक श्री कृष्ण जी के तन में राज्य का आवेश न हो, तब तक वो तन वहीं पर था, सखियों को दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसका तात्पर्य क्या है? लीला किसके साथ हो रही है? आवेश के साथ। अक्षर ब्रह्म की आत्मा उस लीला को देखकर रसपान कर रही है, लीला हो रही है सखियों और राज्य के बीच में। इसलिए हम ऐसा नहीं कहते कि हमारा धर्म नष्ट हो गया, हमने ब्रज की लीला की, रास की लीला की, हम दुनिया के जीव नहीं है कि हम पाप कर जाएं। पहली बात तो ये, ताली प्रेम की हो या घृणा की, दोनों हाथ से बजती है। आज स्थिति यह है कि जो श्री जी को मानने वाला है उसको स्वीकार ये भी नहीं है कि कोई कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोले, और जो कृष्ण को मानने वाले हैं उनको श्री जी का नाम भी सुनना पसंद नहीं है। कई बार तो ऐसा देखने में आता है, आप कुछ भी दीजिए किसी को, भेंट में वाणी की टीका दीजिए, कोई साहित्य दीजिए, उस पर श्री जी बस लिखा हो तो सोचते हैं कि इसको पढ़ने ना तो बहुत बड़ा पाप हो गया। उनको श्री जी के नाम से घृणा है और उनको कृष्ण के नाम से घृणा है। आखिर इन दोनों स्वरूपों में लीला करने वाला कौन है? कोई ये वाणी से तो नहीं पूछता, अपनी आत्मा से नहीं पूछता। कट्टरता का प्रदर्शन दोनों तरफ से हो रहा है और ये लंबे समय से चल रहा है। लगभग 30 वर्षों से घृणा की ज्वाला धधक रही है। हम आए थे संसार को प्रेम का संदेश देने के लिए। वाणी में क्या लिखा है? प्रेम प्याला में भर भर पीऊँ, त्रैलोकी छक छकाऊँ, 14 भवन में करूँ उजाला, फोड़ ब्रह्मांड पी उपासना। त्रैलोकी को छाक क्या छकाएंगे, सारे ब्रह्मांड को प्रेम से क्या आप तृप्त करेंगे? हम तो इतने में ही लड़ने में इतने फंस गए हैं कि शायद घृणा के कारण कोई किसी को देखना नहीं चाहता। स्थिति ऐसी बन गई है कि कृष्ण को मानने वाला यदि कृष्ण कन्हैया लाल का जयकारा लगा दे तो श्री जी वाले अच्छा अनुभव नहीं करते। और आप किसी मंदिर में जाए, आपसे किसी ने तारतम्य पूछ लिया और आपने कह दिया कि निज नाम श्री जी साहब जी, तो आपको शायद मंदिर से निकाल दिया जाए। पूछा जाए ये घृणा किस लिए? ब्रज की लीला राज्य ने की, ब्रज वालों वालों पीसो ये बचन अपन को कहत है देव, ये बचन तुमको कहे जाए जो तुम धाम की लीला मान, रास मिने खिलाए जीने प्रगट लीला करिए तेने, धनी धाम की कहलाई ये जो साथ को बुलावनाए। ये प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाई है कि ये जो प्राणनाची के रूप में हमें जगा रहे हैं वही ब्रज वाले स्वरूप हैं जो श्री कृष्ण के तन में बैठकर लीला कर रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ रास में लीला की, वही महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत आए, बस नाम बदला है। ब्रज में भी हमारे प्राणनाथ थे, रास में भी प्राणनाथ थे, जागनी में भी प्राणनाथ थे, लेकिन किसी को साहित्य पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करने आता कि भाई हम क्या लेकर आए हैं संसार में। हम परम धाम का ज्ञान लेकर आए हैं, परम धाम की अमृतमयी वाणी लेकर के आए हैं जिससे सारा ब्रह्मांड अखंड हो जाए। हम किसके लिए लड़ते हैं? केवल कर्मकांडों के नाम पर। हम मार्फत के दृष्टि से देखें तो मार्फत की वाणी क्या कहती है? जो मूल मिलावे में जो मूल स्वरूप विराजमान है अपने नूरी स्वरूप से, वही आवेश स्वरूप से ब्रज में आया, वही रास में आया, वही जागने के ब्रह्मांड में श्री देवचंद जी के अंदर आया और वही महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर श्री जी साहब के रूप में लीला कर रहा है तो वो सबका। तो हिंदुओं के लिए कह दिया कि मैं श्री जी हूँ, मुसलमानों के लिए कह दिया कि मैं साहेब जी हूँ, फिर लड़ाई किस बात की? सूर्य उगता है तो सबके लिए उगता है। पहली बात तो ये हमें सोचना होगा
कि हम अपनी भाषा को सन्निमित्त तो बनाएं। वाणी में क्या लिखा है, भगवान जी खेले बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा सो प्रकृत, कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, क्षण में देख के पल में उड़ावे। भगवान जी लिखा है, हम क्या कहते हैं, अरे अक्षर ब्रह्म को रे करके, अधिकतर भजनों को देखिए उसमें अक्षर ब्रह्म को रे करके बुलाए। आप सोचिए अक्षर ब्रह्म कौन है, इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दुई, एक ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप से दो तरह की लीलाएं हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, दृष्टांत दिया था कि एक ही गुरु के दो शिष्य हो, एक दाएं हाथ को दबा रहा हो, एक बाएं हाथ को दबा रहा हो, और दोनों एक दूसरे के हाथ को मारने लगे, तो पीड़ा किसको होगी, जिसको वो हाथ दबाकर खुश करना चाहते हैं। जो अक्षरातीत का सत अंग है वो है अक्षर ब्रह्म, और जो आनंद अंग है वो श्यामा जी का है, जिसके अंग रूपा सभी सखियां हैं। हम मार्फत के दृष्टि से देखें तो एक चौपाई में कहा गया है, हम रूहे हमेशा बका मिने, सो सब रूह अल्लाह के तन। एक जगह कहा है, तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। तो हम श्यामा जी के भी तन है, राजी के भी तन है, इसका तात्पर्य क्या है, राजी और श्यामा जी दो नहीं है, और इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दोई। अक्षर ब्रह्म सत अंग है, सत की लीला केवल कर रहे हैं, लेकिन करने वाले कौन है, राज्य ही अक्षर ब्रह्म के रूप में लीला कर रहे हैं। इसलिए अक्षर ब्रह्म से हम किसी तरह की घृणा न रखें, उस अक्षर ब्रह्म को हम पर पुरुष न समझें। लीला रूप में सब अवश्य पर पुरुष है, लीला रूप में, मार्फत के दृष्टि नहीं। सबसे बड़ी बात कि एक ही अक्षरातीत ने, जब हम ब्रज की लीला में है तो उसको हम राज्य मान लेते हैं, जब वो जागनी लीला में स्वरूप आता है तो हम उसको संत महापुरुष कभी कहने लगते हैं, किस अधिकार से। होता क्या है, जब एक व्यक्ति किसी को एक अपशब्द बोलता है तो प्रत्युत्तर में चार अपशब्द बोले जाते हैं, यही है, दोनों पक्षों से यही हो रहा है। पता नहीं ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी, जहां तक मैं समझता हूं सामान्य सुंदर साथ वाणी का गहन ज्ञान नहीं रखता, वो तो भोला भाला है, जो पथ प्रदर्शक जैसा मार्ग दिखा देते हैं उसी पर वो चलने लगता है। एक पथ प्रदर्शक कहता है, देखो ये कृष्ण जी वाले हैं, ये प्राणनाथ जी को नहीं मानते, तो वो वर्ग मुंह फेर लेता है। दूसरे पक्ष का पथ प्रदर्शक कहता है, ये श्री जी को मानने वाले हैं, ये नरक में जाएंगे। कृष्ण जी को मानने वाले कहते हैं कि श्री जी वाले नरक में जाएंगे, श्री जी को मानने वाले कहते हैं कि कृष्ण जी को मानेगा वो नरक में जाएगा। सच तो ये है कि नरक में तो कोई भी नहीं जाएगा। जिसने संध्या बांग आवाज कानों सुनी, तय कुफर होए क्यों रंचक। चाहे निज नाम श्री कृष्ण जी का तारतम याद करो या निज नाम श्री जी साहब जी का तारतम याद करो। यदि आप श्रद्धा पूर्वक पांच बार पाठ भी करते हैं तो कोरा से कोरा जीव भी होगा, उसको सातवीं बहिष्ठ में जाने से कोई रोक नहीं सकता। और जो चितवनी करेगा मूल मिलावे की, ब्रह्म सृष्टियों का आचरण ले लेगा, वो कोरा से कोरा जीव भी सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब तक लीला चल रही है तब तक आप घृणा की आग में खुद जल रहे हैं और दूसरों को जला रहे हैं। बहुत हंसी आती है जब कहते हैं कि तुम्हारे पास कौन सा तारतम है, तो तारतम तो पहचान के लिए है, तारतम घृणा फैलाने के लिए नहीं है। आज तारतम के नाम पर ही झगड़े फैल गए हैं। एक वर्ग कहता है कि हम श्री कृष्ण जी का तारतम मानते हैं तो हम केवल परमधाम जाएंगे, दूसरा पक्ष कहता है कि हम श्री जी का तारतम मानते हैं तो हम परमधाम जाएंगे, श्री जी वाले नहीं जाएंगे। तारतम लेने से कोई परमधाम नहीं जाएगा, जिसकी निस्बत होगी वही परमधाम जाएगा। हाँ यह अवश्य है कि इस जागनी ब्रह्मांड में जो श्री जी के स्वरूप की पहचान करेगा वो धन धन होगा, और जो श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं करेगा, मुंह फेरेगा, उस पर एक बहुत बड़ी हंसी होनी है, क्योंकि उसने शरीर को पकड़ा, नाम को पकड़ा, स्वरूप को नहीं पकड़ा। रूप और नाम सभी नश्वर हैं। जब ब्रजलीला नहीं आई थी, सृष्टि के प्रारंभ से कृष्ण शब्द था, प्राणनाथ शब्द था, श्री जी शब्द भी था, लेकिन पहचान तो स्वरूप की होनी है कि इसमें अक्षरातीत का आवेश स्वरूप विराजमान होकर लीला कर रहा है। कोई दूजा मरद न कहावी एक मेदी पाक पूरन, प्राणनाथ जी के अतिरिक्त कोई भी जागनी ब्रह्मांड में अक्षरातीत कहलाने की शोभा नहीं ले सकता है। क-
कई हुए कई हो सी पर किन ब्रह्मांडो नाए। ये भी सच है कि श्री प्राणनाथ जी की महिमा के बराबर वाला स्वरूप कभी न हुआ है न कभी होगा। न ब्रज वाला स्वरूप को ब्रज वाली लीला की तुलना कर सकते हैं, न राज की लीला को, न जागने में सतगुरु धन सिंह देवचंद जी के तन की लीला को। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ, जैसे मुझे ही ले लीजिए, मैं तो एक सामान्य सा सुंदर सा हूँ। राज जी की कृपा से मेरे तन से कभी बहुत अच्छी चर्चा हो जाती है, कभी सामान्य स्तर की चर्चा होती है। हूँ तो मैं वही, लेकिन किसी दिन चर्चा सामान्य हुई, किसी दिन बहुत अच्छी चर्चा हुई कि आपके आंख से आंसू आ गए, तो क्या जिस दिन सामान्य, फिर अगले दिन मान लीजिए कि मैंने सामान्य चर्चा कर दी, तो क्या आप पत्थर लेकर के मारेंगे कि ये कल वाला राजन स्वामी नहीं है? एक ही राजन स्वामी प्रतिदिन चर्चा कर रहा है, लेकिन मूल स्वरूप की कृपा, किसी दिन अच्छी चर्चा हो गई, किसी दिन थोड़ा सामान्य हो गई, किसी दिन मध्यम स्तर की हो गई। बस यही बात है। एक ही राज्य ब्रज में भी रहे हैं, एक ही राज्य रास में रहे हैं, एक ही राज्य जागने में रहे हैं। अंतर केवल इतना ही है कि ब्रज में पूरी नींद में सबको डुबोए रखा, रास में आधी निद्रा हटा दी थी, ब्रज में और रास में अक्षर की आत्मा किसके अंदर आवेश रखकर लीला किए, और इस जागनी के ब्रह्मांड में पहले श्यामा जी के तन में विराजे, और उसके पश्चात दूसरे तन में इंद्रावती जी के आत्मा के धाम हृदय में विराजे, क्योंकि उनको अक्षरातीत की शोभा दे रखी थी। जब रास में विरह की लीला हुई थी, इंद्रावती की आत्मा ने श्री कृष्ण जी का अभिनय किया था, इसलिए जागनी के ब्रह्मांड में इंद्रावती की आत्मा को ही अपनी सारी शोभा देनी थी। नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेक तुम्हारे लो। इसलिए देवचंद जी के तन में भी राजीव ने विराजमान होकर लीला की, श्री कृष्ण जी के तन में भी विराजमान होकर लीला की, लेकिन ब्रज में किसी ने पहचाना नहीं, और रास में संसार तो था ही नहीं, कैसे पहचान करता। ब्रह्म सृष्टियों को पहचान हुई कि हमारी प्रीतम है। देवचंद जी के तन में आड़िका लीला हुई, आड़िका लीला से थोड़ी सी पहचान हुई, क्योंकि जो चमत्कार की लीला होती है, आड़िका लीला होती है, जब तक हृदय में ज्ञान का प्रकाश न हो तब तक वह पहचान अधूरी रहती है। अभी जैसे मान लीजिए परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी ने अपनी कृपा से कितने सुंदर साधक को परम धाम का दर्शन करा दिया, करवाया तो, लेकिन उन जिनके अंदर वाणी के ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, वो पहचान कुछ समय तक के लिए स्थिर रही, बाद में वो पहचान मिट जाती है माया के प्रभाव से। इसलिए प्रेम का प्राण है ज्ञान, ज्ञान नहीं रहेगा तो वो पहचान अधूरी मानी जाएगी। राज्य अनादिकाल से परमधाम में लीला करते रहे हैं, लेकिन इस गर्भवत क्यों हुआ? क्योंकि पूरी पहचान नहीं थी। पहचान बिना गिरो क्या करे या यार या सिरदार। अब जागनी ब्रह्मांड में जो राज्य की मार्फत की पहचान हुई है, इसके बाद रस कुछ और ही होगा। आप देखेंगे कि ब्रज में वही गोपियाँ जो शिकर जी के बिना एक पल नहीं रहती थी, 11 वर्ष बीतते बीतते एक दुराव आ जाता है, 52 दिन तक कोई बोलने को राजी नहीं है, क्योंकि पहचान नहीं है। जागनी के ब्रह्मांड में पहचान है, प्रेम नहीं है। तो इस पहचान का नतीजा ये है कि राज्य को पर पुरुष कहने में, अपशब्द कहने में हमें 10 बार सोचना पड़ेगा। भले ही कोई सुंदर सा चितवन ही ना करे, भले ही उस किसी की रहनी बहुत खराब हो, लेकिन राज्य के लिए अपशब्द तो नहीं बोल सकता जो ब्रज में बोला था। ये पहचान का अंतर है। इसलिए वाणी किस लिए आई है? हमें निज स्वरूप की पहचान देने के लिए, अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान देने के लिए। यदि हम श्रीजी से प्रेम करते हैं तो कृष्ण शब्द से घृणा न करें। यदि किसी की आस्था है, कोई कृष्ण का भजन गा ही दिया, तो ऐसा नहीं कि हमारा धर्म नष्ट हो गया। और यदि किसी ने श्रीजी का तारतम बोल दिया, तो कृष्ण को मानने वाले को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा स्थान अशुद्ध हो गया। ताली दोनों तरफ से बज रही है और ये घृणा की ज्वाला सबको जला रही है, इससे कोई लाभ निकलने वाला नहीं है। और राज्य मूल मिलावे में बैठ करके हंस रहे हैं कि ये तो मेरे नाम के पीछे लड़ रही है और कर्मकांड के पीछे लड़ रही है, प्रेम दोनों में से किसी को मेरे से नहीं है। आप देखें कि तारतम का जप कौन करता है?
पूरी वाणी की 18,758 चौपाइयाँ निकाल लीजिए, कहीं माला फेरने के लिए लिखा है, तारतम का जप करने के लिए नहीं लिखा है, क्या लिखा है? ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, जब आपकी दृष्टि जाएगी तो वहाँ तारतम की 6 चौपाइयाँ याद रहेंगी क्या, कि राजसमय याद रहेगा? आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, तो हमारे नेत्र मिलते हैं, एक दूसरे को पहचान देते हैं, जब चितवनी करेंगे तो राज्य श्यामा जी दिख रहे होंगे, वहाँ निज नाम श्री जी साहब जी अनादि अक्षरातीत जब कहाँ होगा, कौन माला फेरेगा? जहाँ माला फेरे जुग व्या फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। ये तो कोई समझने ही नहीं चाहता, ये तो दुनिया वालों की रीति है कि मंत्र जपते हैं, मंत्र के नाम पर झगड़ा करते हैं, और हमने सारा झगड़ा मंत्र के और नाम के ऊपर कर रखा है। किसी को श्रीकृष्ण जी का नाम प्यारा है, किसी को श्री जी का नाम प्यारा है। ये अवश्य है कि वर्तमान समय में जो जागने का समय है, ये श्री जी के स्वरूप की लीला है, कृष्ण जी के रूप की लीला नहीं है। मिहराज का तन है, देवचंद जी का भी तन अदृश्य हो चुका है, देह त्याग के पश्चात उदाह संस्कार कर दिया गया, वो तन भी नहीं है। आजकल देवचंद जी की मूर्ति बना दी गई है, मूर्ति पर तो आस्था कराई जा रही है। जो देवचंद जी के अंदर विराजमान होकर लीला किया और वही स्वरूप दूसरे तन में प्रत्यक्ष होकर लीला कर रहा है, तो उसको कह देते हैं क्या, कि ये तो आचार्य हैं और हम भी आचार्य हैं, हम उनके बराबर हैं। हम शरीरों से देख रहे हैं, अंदर की पहचान तो नहीं है, हमारी पहचान ऊपरी है। हम कहते हैं कि सबसे बड़े कौन, श्री कृष्ण जी, क्यों पहले बार आए। दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, सतगुरु धनिष्ठ देवचंद जी। तीसरे नंबर पर कौन आता है, श्री प्राणनाथ जी। इस कल से कार्यक्रम होगा, कल हो सकता है मैं भी चर्चा करूं, परसों भी करूं और अगले दिन भी करूं। तो पहले दिन चर्चा करूंगा तो अब क्या कहेंगे, कि पहले दिन वाला राजन स्वामी बड़ा है, दूसरे दिन वाला राजन स्वामी छोटा है और तीसरे दिन वाला सबसे छोटा है। एक ही राजन स्वामी तो तीनों दिन बोल रहा है। आप तीसरे दिन वाले से प्रेम कीजिए, लेकिन पहले दिन वाले से घृणा तो न कीजिए। या पहले दिन वाला अच्छा लगता है तो तीसरे दिन वाले से घृणा क्यों करते हैं? ये सबको समझ में आ जाए तो शायद हमारा समाज मूल मिलावे की तरफ चल पड़े। आज तो स्थिति यह है, एक बार कहीं साहित्य बंटवाया गया था, पता चला कि सबने साहित्य वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि उस पर निज नाम श्री जी साहब लिखा था। श्री जी साहब नाम किसका है, अक्षरातीत का ही तो नाम है, और उसको आप इतनी घृणा की दृष्टि कर रहे हैं। जैसे आपके घर पर शहर का कोई मेयर आ जाए, कोई बड़ा अधिकारी आ जाए तो उसका स्वागत करते हैं, और श्री जी का कोई नाम बोल दे तो लगता है कि किसी रावण का कंस का नाम ले लिया, उसको बाहर निकाल देते हैं, कहते हैं कि हमारे आश्रम में ठहर नहीं सकते क्योंकि तुमने श्री जी का नाम ले लिया है। कभी किसी ने सोचा है कि इसका कितना प्रायश्चित है इस पाप का? क्यामतनामा श्री जी के स्वरूप की पहचान है, मार्फत सागर प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान है। सच तो यह है कि 18,758 चौपाइयाँ हमारी आत्मा का जो अनाथ प्रियतम है उसकी पहचान करा रही है। आज वह स्वरूप प्रकटा, धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुकम बुद्ध मूल वतन, इन 5 शक्तियों के साथ महामती जी के धाम हृदय में जो अक्षरातीत लीला किए, वही स्वरूप अपने आवेश के साथ अक्षर की आत्मा के साथ आज के दिन सो सूरत धनी को ले आवेश नंदघर की उपप्रवेश। नंद के घर अक्षरातीत का आवेश प्रकट होता है और उसको हम इस संसार के भाव से श्रीकृष्ण जी कहते हैं। लेकिन उस तन में कौन था, मांगा किया राधा बाई का पर ब्याहे नहीं श्री प्राणनाथ। जिसको हम प्राणनाथ प्यारे कहते हैं, वही प्राणनाथ ब्रज में अक्षर की आत्मा जिसको हम श्रीकृष्ण का तन कहते हैं उसके अंदर लीला किया। कंठ बाहुटी फरे साथ एम रंगे श्री प्राणनाथ, वही प्राणनाथ रास में जा पहुँचता है, वही प्राणनाथ श्री देवचंद जी के तन में लीला करता है, वही प्राणनाथ मिहराज के तन में लीला करता है। हम घृणा क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये सत्य है कि यदि हम कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलें और प्राणनाथ जी को संत कभी महापुरुष बोलें तो इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। तभी क्यामतनामा में साफ कहा है, इन मोती का मोल कहियो न चाहे ना किन्हों कानों सुनाए। प्राणनाथ जी की महिमा के लिए कोई शब्द नहीं है। आप समुद्र के जल को
कैसे दिखा सकते हैं? एक गिलास में भरकर कह सकते हैं कि ये समुद्र का जल है, ये गंगा का जल है। इतना तो कह सकते हैं ये समुद्र का जल है, इस यानी गिलास में जो जल रखा हुआ है समुद्र का जल भी ऐसा ही होगा। ये नहीं कह सकते कि सारे समुद्र को हमने गिलास में भर रखा है। इसलिए जो कुछ कहा सुना जाता है एक गिलास भर कहा जाता है। प्राणनाथ जी की इतनी अनंत महिमा है कि संसार के सारे ग्रंथों में लिखी नहीं जा सकती। इसलिए वाणी कहती है, इन मोती का मोल कहियो न चाहे, ना किन्हों कानों सुनाए। किसी के कानों में भी इतनी शक्ति नहीं है कि सारी महिमा को सुन सके। सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाला भी जल मरे। जो कहता है कि मैंने प्राणनाथ जी की महिमा का बखान कर दिया, वो प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा एक दिन, जब पहचान होगी तो। और सुनने वाला भी जल मरे। और जो प्राणनाथ जी की महिमा को सीमाबद्ध कर देता है, आजकल क्या प्रचलन चल पड़ा है, एक व्यक्ति कहता है कि प्राणनाथ जी को हम राष्ट्रीय संत घोषित करते हैं, और जो व्यक्ति कहता है उसको अंतर्राष्ट्रीय संत कहा जाता है। उसके अनुयायी कहते हैं कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय संत है, क्योंकि प्राणनाथ जी को अंग्रेजी नहीं आती थी, इनको अंग्रेजी भी आ जाती है। अंग्रेजी जानने से यदि डिग्री बढ़ जाती है, कोई प्राणनाथ जी से बड़ा हो जाता है तो कौन सी बड़ी बात है। आजकल तो कॉन्वेंट में 10वीं क्लास का बच्चा भी अंग्रेजी फराटेदार बोलता है, तो इसका मतलब नहीं कि वो प्राणनाथ हो गया। और नौकरी कितने की करता है, MBA किए हुए 10-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा ना सोचिए कि आप अंग्रेजी पढ़ लिए हैं, कई विदेशों में चले गए, फ्लाइट पर चले गए, तो आप अंतर्राष्ट्रीय संत हो गए और प्राणनाथ जी राष्ट्रीय संत। हम तो इतने जानबूझकर प्राणनाथ जी को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कबीर के अनुयायी कबीर जी को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, और हम प्राणनाथ जी को संत कहते हैं, कवि कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, देवचंद जी का शिष्य कहते हैं, कृष्ण का भक्त कहते हैं, छत्रसाल जी का गुरु कहते हैं, ये तो हमारी महानता है। और कृष्ण जी को अक्षरातीत कहते हैं। ये जो रूप की पहचान करके रूप नाम और मंत्र के पीछे हम लड़ रहे हैं, रूप नाम और मंत्र सब जीव सृष्टि के लिए, ब्रह्म सृष्टियों के लिए नहीं। जो ब्रह्म सृष्टियाँ थी उन्होंने ब्रज में भी पहचान किया, रास में भी पहचान किया, जागनी के ब्रह्मांड में भी देवचंद जी के अंदर बैठे हुए स्वरूप को पहचाना, और महामती जी के धाम हृदय में बैठे हुए स्वरूप को पहचाना, तभी 5,000 की संख्या में सब घर द्वार छोड़ करके आए। इसलिए आज के दिन मैं देश विदेश के सभी सुंदर साथ से आग्रह कहूँगा कि उनके हृदय में नाम के लिए जो घृणा है, श्रीकृष्ण जी का नाम या श्री जी के नाम, उसको छोड़ें, स्वरूप की पहचान करें कि हमारे ही अक्षरातीत ब्रजराज में लीला किए हुए हैं। लेकिन जागनी ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी की जो शोभा है, वह शोभा अन्य किसी भी लीला वाले स्वरूप को नहीं दी गई है। कई हुए कई होसी पर किन ब्रह्मांडो नाही, वाणी के कथन को अक्षर से सत्य मानिए, किसी व्यक्ति के कथन पर न जाइए। आप सोचिए महानता क्या होती है, जिनके जैसे बुजुर्ग की जुबान हो तीन माफक, वाणी के शब्दों से और व्यवहार से मालूम किया जाता है कि किसका व्यवहार कैसा है और वो व्यक्ति कितना महान होगा। अभी प्रसंग चल रहा था, देखिए एक तन है कृष्ण का जो 11 वर्ष 52 दिन तक लीला करता है। इसका तन भी अलग है, स्वरूप भी अलग है। 11 वर्ष 52 दिन वाले स्वरूप में कौन होता है, अक्षर की आत्मा, राज्य का जोश और आवेश। इसके पश्चात 11 दिन की लीला होती है, 7 दिन गोकुल में, 4 दिन मथुरा में, जिसको हम गोलोकी शक्ति कहते हैं, वास्तव में वो अखंड बेहद की शक्ति होती है। कृष्ण के तन में रास बिहारी का आवेश आता है और वो लीला करता है। उसके पश्चात योगेश्वर श्री कृष्ण के रूप में हम विष्णु का रूप मानते हैं, जो 112 वर्ष तक, किसी के मतानुसार 120 वर्ष तक लीला करता है। लेकिन आप सोचिए भगवान भक्त का सारथी बना है। महाभारत के युद्ध में जब राजा शल्य को कहा जाता है कि आप कर्ण का रथ हाँकिए, तो गुस्से में लाल हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं रथ हाँकूँ, ये छोटा काम मैं करूँ, मैं तो अभी चला जाता हूँ। फिर किसी तरह से हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना की गई, तो उन्होंने कर्ण का रथ हाँकना स्वीकार किया। और कैसा ये योगेश्वर है, अपने आप कहता है कि मैं तो अर्जुन का रथ हाँकूँगा। अर्जुन रथ पर बैठे हैं और सारथी बनकर भगवान रथ हाँक रहे हैं, ये है महानता।
ऋषियों के जूठे पत्तल उठा रहे हैं युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ में, उनके चरण धो रहे हैं। हम परम धाम के ब्रह्मुनि हैं, हमें तो कुछ सीखना चाहिए कि हम अपने अंदर की घृणा निकाल दें। जब हम किसी को बोलते हैं तो लगता है कि हम उसको खा जाएंगे, हमारे मन में घृणा होती है, हमने प्रेम सीखा नहीं। जरा जरा सी बात पर हम लड़ते हैं, लेकिन हम नहीं जानते ये घृणा की आग सबसे पहले हमको जलाएगी, दूसरों को तो थोड़ा जलाएगी। सर्प का विष, जब सर्प किसी को काटता है तो वो व्यक्ति मर जाता है, लेकिन उस सर्प को तो 24 घंटे अपने ही विष से जलना पड़ता है, वो चाहकर भी अपने विष का परित्याग नहीं करता। इसलिए ये याद रखिए, यदि आपके अंदर घृणा का विष है, द्वेष का विष है, आप किसी का अनिष्ट चिंतन करते हैं, तो उस आग से सबसे पहले आपको जलना पड़ेगा, संसार तो जलेगा। आप देखिए महाभारत का युद्ध किसकी घृणा की अग्नि में, सबसे पहले उस घृणा की अग्नि में, द्वेष की अग्नि में शकुनी जल रहा है, उस अग्नि से दुर्योधन को जलाता है, दुर्योधन कर्ण को जलाता है, दुशासन जलता है। इन चारों के अंदर मन में जो आग जल रही है वह महाभारत युद्ध को निमंत्रण देती है, और उस यज्ञ में 47 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। अभी जो आतंक फैल रहा है अफगानिस्तान में, सारी दुनिया में, पहले वो घृणा किसके अंदर आती है, उन मुल्लाओं के अंदर जो कुरान का उल्टा अर्थ करके जानबूझ करके बताते हैं और अपने बच्चों को सिखा देते हैं कि जो काफिर है उनको मार डालो, खुदा तुम्हें जन्नत देगा, तुम्हें 70-70 हूरे मिलेंगी, और इसी लालच में हर कोई आतंकवादी बन जाता है, और आतंकवादी मानकर कितनों को मारता है। आप प्रेम की सरिता बहाएंगे तो सारे संसार का भला होगा, आप घृणा की अग्नि में स्वयं जलेंगे, दूसरों को जलाएंगे, अंत में आपको भी दुखी होना पड़ेगा, संसार तो दुखी होगा ही। इसलिए आज के दिन मैं सारे समाज से विनम्र निवेदन करता हूँ कि नाम के झगड़े में, रूप के झगड़े में और मंत्र के झगड़े में न पड़े। ये अवश्य है कि इस जागनी ब्रह्मांड में कोई दूजा मर्द न कहावी एक मेदी पाक पूरन, इस याद को, याद चौपाई को अच्छी तरह से याद लीजिए। खेलसी रास मिल जागनी 36,000 संयन, जो 36,000 ब्रह्मात्माओं के साथ लीला कर रहा है उसी स्वरूप को अक्षरातीत कहलाने की शोभा है, और इसके समान शोभा न ब्रज वाले स्वरूप को है न रास वाले को। ब्रज और रास में दो स्वरूप नहीं है, वही आत्म अक्षर जोश धनी धाम ब्रज में भी है, वही रास में भी है, लेकिन राज जी ने जिस श्री कृष्ण के तन को ग्रहण किया, श्री कृष्ण के कलेवर में अपना आवेश दिया, उस स्वरूप को ये जागनी वाले स्वरूप से लीला की दृष्टि से बड़ा नहीं कहा जा सकता, स्वरूप एक है। मैंने अभी दृष्टांत दिया था आपको कि मुझे कल भी चर्चा करनी होगी, परसों भी और अगले दिन भी, मैं एक ही हूँ, लेकिन किसी दिन अच्छा बोलूँगा, किस दिन सामान्य बोलूँगा, किस दिन मध्यम स्तर का बोलूँगा। बस ये समझ लीजिए, राज जी ने जागनी ब्रह्मांड में अपनी सारी शोभा, नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेक तुम्हारे लिए, बड़ी बढ़ाई दई आप थी लैंद्रावती कंठ लगाई जी, इस स्वरूप को ऐसी शोभा दे रखी है कि अपने हृदय का भेद जो परम धाम में भी नहीं दिया था, महामती जी के तन से अवतरित किया। मार्फत का भेद जो अनंत काल तक लीला चलती रहती तब भी नहीं खुलने वाला था, लेकिन प्राणनाथ जी के स्वरूप में परम धाम की इश्क की वहदत, खिलवत की वहदत, निस्बत की माहदत, निस्बत की मार्फत, हकीकत की मार्फत सब कुछ खोल दिया और सबको कह दिया कि यहीं बैठे बैठे परम धाम देखो और दूसरों को दिखाओ। ऐसी लीला ब्रज में नहीं हुई थी, रास में नहीं हुई थी, श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में भी नहीं हुई थी। हम प्राणनाथ जी को देवचंद जी का शिष्य मानने लगते हैं, मिहराज देवचंद जी के शिष्य हैं, प्राणनाथ जी देवचंद जी के शिष्य नहीं हैं, प्राणनाथ जी किसी के भक्त नहीं हैं, हम प्राणनाथ जी को कृष्ण का भक्त कहने लगते हैं। यही तो हमारी नादानी है कि हम शरीर को पकड़ते हैं, नाम को पकड़ते हैं, रूप को पकड़ते हैं, और ये संसार की चीज़ें हैं। हम एक अक्षरातीत को पकड़ें जिनसे हमारा मूल संबंध है, तभी तो कहा है संबंध मूल को मैं तो पावपल छोड़ियो न जाए। हम मूल संबंध को समझें, मूल स्वरूप को समझें, तो शायद तारतम इसीलिए अवतरित हुआ है, तारतम माला पर जप करने के लिए नहीं आया है कि 5 बार जप कर लिया, चरणामृत प्रसाद ले लिया, ये तो जीव सृष्टि के लिए बता दिया गया है, क्योंकि उसको चितवनी लग नहीं सकती, वो बेचारी चितवनी कर नहीं सकती,
मन को एकाग्र कर नहीं सकती, प्रेम ला नहीं सकती, तो इसी बहाने पांच बार, जैसे मुसलमान पांच बार नमाज पढ़ते हैं, कम से कम सुंदर साथ पांच बार तारतम का पाठ तो कर ले तो कल्याण हो जाएगा, बस उनके लिए है। लेकिन उसको सब पर थोपना कि तुमने कंठी पहनी है कि नहीं, तुमने तिलक लगाया है कि नहीं, तुमने पांच बार तारतम पाठ किया है कि नहीं, ये सिखाने के लिए वाणी नहीं आई है, ये तो दुनिया में पहले से सब चल रहा था। और यही सब हम करते रहे, लड़ाई करते रहे, हमारे कृष्ण जी बड़े, वो कहेंगे कि हमारे श्री जी बड़े, और दोनों एक दूसरे को अपशब्द कह रहे हैं कि तुम्हारे श्री जी छोटे हैं, हमारे कृष्ण जी बड़े हैं। वो कहता है कि तुम्हारे सिकट जी का जो नाम लेगा वो नरक में जाएगा, वो कह रहे हैं कि वो तुम नरक में जाओगे क्योंकि तुम श्री जी कहते हो। सिकट जी को मानने वाले को देकर श्री जी वाले कहते हैं कि इनको कुछ नहीं आता, और श्री जी सिकट जी को जो मानते हैं वो कहते हैं कि श्री जी वाले बिल्कुल बेकार हैं, अहंकारी हैं, इनका मुँह नहीं देखना चाहिए। तो ये घृणा की लड़ाई चलते चलते बहुत लंबा समय हो गया, सब सुंदर साथ मिलजुल कर रहे हैं। इतना तो सोचें, चाहे 11 साल 52 दिन वाला स्वरूप हो या 11 दिन वाला स्वरूप हो या 112 वर्ष वाला हो, तीनों ने प्रेम किया है। तो हम तो सबका सार लेकर के बैठे हैं, परमधाम की वाणी हमारे पास है, हम कुछ तो प्रेम करना सीखें। यदि प्रेम नहीं कर सकते तो घृणा न करें, हम किसी सुंदर साथ को देखकर नाके नाक न सिकोड़ें कि ये सिकट जी वाला है या श्री जी वाला है। कोई किसी नाम से मान रहा है, मूल मिलावे को तो मानता है, और मूल मिलावे में न श्री कृष्ण जी हैं न श्री जी हैं, वहाँ तो हमारे प्राणेश्वर हैं, प्रिया प्रीतम है, राजजी श्यामा जी हैं। हम किसी भाषा में कुछ ही नाम से पुकारें लेकिन मूल मिलावे में हमारे आराध्य हैं, हमारे प्राणेश्वर हैं, और प्राणेश्वर है और उनकी प्राणेश्वरी है, और हम भी वही हैं जो उनकी प्राणेश्वरी है। आप दुनिया के दास नहीं हैं, आप माला का जप करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ चरणामृत प्रसाद संसार वालों के लिए, आपके लिए नहीं है, आप परिक्रमा करने नहीं आए हैं, आप तो अपने हृदय में उनको बसाने के लिए आए हैं और सारे संसार को इस सौगात देने के लिए आए हो कि तुम भी प्राणेश्वर का दर्शन करो, तो शायद संसार की नियत कुछ और हो जाए। अभी आपने सुना अशोक जी से कि यदि लड़ते रहेंगे तो हमारी शक्ति क्या रहेगी, पांच उंगलियां मिलती हैं तो मुट्ठी बन जाती है, और पांचों एक रथ है, उसके चार घोड़े चार दिशाओं में हैं, तो रथ तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आज जागने का रथ भी ऐसे ही है, जागने के रथ का एक घोड़ा कहता है कि हम केवल श्री कृष्ण जी को मानेंगे, एक घोड़ा कहता है कि हम देवचंद जी को मानेंगे, एक घोड़ा कहता है कि हम प्राणनाथ जी को मानेंगे, हम किसी को नहीं मानेंगे, एक घोड़ा कहता है कि नहीं हम तो किसी को नहीं मानते, जो हमारे मन में आएगा हम वही करेंगे। परिणाम क्या होगा, रथ तो वहीं का वहीं रहेगा, अंत यही होगा कि रथ टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि चार घोड़े चार दिशाओं में खींच रहे हैं। इसलिए केवल वाणी के कथन को मानिए, जो वाणी ने कहा है वो अंतिम सत्य है। मैं भी कितनी बातें गलत कह सकता हूँ, किसी के भी कथन को वाणी से तौलिए, जो वाणी कहती है अक्षरातीत का कथन है, वाणी से परे किसी का भी कथन श्रेष्ठ नहीं हो सकता, चाहे वो व्यक्ति कितने भी साधना किया हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितने भी समाज के ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, लेकिन वाणी के कथन को ठुकराया नहीं जा सकता। यदि संसार प्रेम के मार्ग पर चलेगा तो मुझे आशा है कि वो संसार को बहुत कुछ दे सकता है, किंतु यदि इसी तरह से घृणा की आग जलती रही और सभी सुंदर साथ आपस में लड़ते रहे नाम के रूप में, मंत्र के नाम पर और स्थान के नाम पर, तो शायद किसी के हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है। उस कृष्ण की लीला को देखिए, जो ब्रज में चोरी करता है, उस स्वरूप को किसी की कमी नहीं है, मक्खन चुराने की कोई जरूरत नहीं है, केवल गोपियों को रिझाना है, तो जानबूझकर उनके घर चोरी भी करता है। गोपियाँ कहती है कि एक बार नाच कर दिखाओ, तो नाचता भी है, ग्वाल बालों का जूठन भी खाता है, सब कुछ करता है। राधा रूठती है तो राधा के पैरों में भी लौट जाता है, तुम मैं तुम्हारे पाँवों में भी लौट जाता हूँ। क्या सिखाता है, अपने अहंग को मारिए। हमारे पास थोड़ा धन आता है तो अहंकार, पद आता है तो अहंकार, प्रतिष्ठा होती है तो अहंकार, सुंदरता आ गई तो अहंकार, हर चीज़ में तो हमारा अहंकार सामने आता है, और इसी अहंकार के कारण हम राज्य को नहीं पा पाते। यदि राज्य ब्रज में भी आकर यही सिखा रहे हैं, 11 दिन की लीला में भी यही सिखा रहे हैं, मथुरा चले जाते हैं फिर भी उनको
रहा नहीं जाता। कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। श्री कृष्ण के जो योगेश्वर का स्वरूप है, विष्णु रूप जो श्री कृष्ण है, वो भी छोटा बन जाते हैं। विष्णु पितामह प्रतिज्ञा करते हैं कि जो सहंतन सुत न कहूँ, जो मैं हरि को शस्त्र न कहूँ। योगेश्वर सोचते हैं कि ये विष्णु पितामह मेरे भक्त हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। और सचमुच अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, यानी महाभारत के युद्ध में शस्त्र उठा लेते हैं, सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं, कि मेरे भक्त की लाज रहे, चाहे मेरी बदनामी कितना भी हो जाए। ये नहीं देखते हैं त्रैलोकी का ईश्वर जो अपने विश्व रूप का दर्शन कराता है अर्जुन को, कहता है कि उत्तिष्ठ पार्थ, गांडीव को उठाओ। और वह रथ की लगाम पकड़कर सारथी बनकर के रथ हाँक रहा है। और अर्जुन कृष्ण कहते हैं कि प्रभु रथ को वहाँ ले चलिए, ये प्रेम का आदेश है। यदि बैकुंठ बिहारी इतनी प्रेम की लीला कर सकते हैं, तो आप तो मूल मिलावे में रहने वाले हो। आप तो कहते हैं कि हमारी चरण धूलि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते हैं, आप सुनाया करते हैं ना, भीतर की चौपाई त्रिगुण हमारे खिलौने, इस चौपाई को तो सभी पढ़ते हैं। जब आप त्रिगुण को, ब्रह्मा विष्णु महेश को आप खिलौना कहते हो, तो इतना भी सीखिए कि उन त्रिगुण ने प्रेम करके दिखाया है, आप भी परम धाम के प्रेम की राह पर चलिए। ऐसा है देश विदेश तक जिन सुंदर साथ मेरी आवाज़ पहुँचेगी, वो घृणा के घेरे को तोड़ने का प्रयास अवश्य करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामना। प्रणाम जी।